अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम क्या हाल सलाम। ठीक चाल है आप लोगों के? मैं सर, आप सुनाएं। भी ठीक हूँ। मैंने तो सुनाते ही रहना है, आप सुनाएं कुछ। ठीक, अल्लाह का शुक्र। चलें जी, अच्छी बात है जी। बाकी ऑनलाइन स्टूडेंट्स का क्या हाल है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स इतना ज्यादा इंटरेक्शन ही नहीं करते, आखिर क्या वजह है? जी, कल जो हमने पढ़ा, कल तो हमने बहुत ही कम पढ़ा था वैसे, तो उसमें अगर किसी को कोई मसला, कोई बात समझ ना आई हो तो समझ आके चलें जी। अब हम लोगों का इनकम टैक्स हो चुका है कंप्लीट, ठीक है? अब हमारे सिर्फ दो ग्रेड रह गए हैं, एक हमारा रह गया है सेल्स टैक्स और एक फर्स्ट थ्री चैप्टर रह गए हैं, ठीक है? तो आज जो है हम सेल टैक्स स्टार्ट करने लगे हैं, ठीक है? सेल टैक्स के आई कैप की बुक के मुताबिक देखें तो सिर्फ तीन चैप्टर हैं, 17, 18 एंड 19, ठीक है? और अगर मेरे नोट्स के हिसाब से देखेंगे तो ज्यादा चैप्टर बन जाएंगे, क्योंकि मैंने कुछ चैप्टर्स को स्प्लिट किया हुआ है। जिस तरह के ये चैप्टर नंबर 17 है, ये काफी बड़ा है, तो इसको जो है आई गेस मेरे ख्याल में मैंने 2 या 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। आई गेस 2 में किया हुआ है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। चलेंगे चैप्टर नंबर 17, जो कि किससे रिलेट करता है? इंट्रोडक्शन, बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड डेफिनेशंस, सेल्स टैक्स। अच्छा जी, सेल टैक्स स्टार्ट करने से पहले मैं पहले बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ, ठीक है? सबसे पहली बात यह है कि ये जो सेल टैक्स है, ये इनकम टैक्स से बहुत ज्यादा डिफरेंट है, ठीक है? तो ये जो सेल टैक्स है, इसमें ये इनकम टैक्स वाला हिसाब किताब नहीं है कि आपने एक प्रोविजन पढ़ी या दो डेफिनेशंस पढ़ी और साथ छोटा सा न्यूमेरिकल कर लिया या मैथमेटिकल कुछ कर लिया, ठीक है? एक चैप्टर कंप्लीट हुआ तो आपने न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर ली या कुछ इस तरह। तो सेल टैक्स में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सेल टैक्स में हमें सबसे पहले कंप्लीट सेल टैक्स पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? आप लोगों को पेशेंस के साथ पहले सारा कंप्लीट सेल टैक्स पढ़ना पड़ेगा, ना सिर्फ पढ़ना पड़ेगा बल्कि याद करना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि सेल टैक्स का एक ही न्यूमेरिकल आता है आई कैप के पेपर में, और वो फुल फ्लैज न्यूमेरिकल होता है, काफी मुश्किल होता है और अच्छा न्यूमेरिकल होता है। तो वो न्यूमेरिकल करने के लिए सबसे पहली बात यह है कि हमें सेल टैक्स पूरा पढ़ा होना चाहिए, सेल टैक्स का जो ग्रिड है वो पूरा हमें याद होना चाहिए, जुबानी याद होना चाहिए। तो इसलिए इसमें ऐसा नहीं होगा कि हमने जी 2 सफ़े पढ़ लिए, 3 सफ़े, आप कहेंगे कि सर जी कोई न्यूमेरिकल करा दें, सर जी ये करा दें, वो करा दें, ठीक है? सेल टैक्स की एक अच्छी बात यह है कि ये चाहे थ्योरी है लेकिन ये बोरिंग नहीं है, ठीक है? मुझे तो सेल टैक्स बजाते खुद काफी अच्छा लगता है, बाकी पता नहीं आप लोगों को पसंद आता है कि नहीं आता, वैसे मेरे ख्याल में आ जाएगा, ठीक है? तो इसमें इस तरह मतलब थ्योरी हम पढ़ेंगे लेकिन ये वो थ्योरी नहीं है, जस्ट लाइक कि जिस तरह रिटर्न या असेसमेंट अपील्स वाली थी कि आप बोर हो जाएं या आप कहें कि ये जल्द से जल्द खत्म हो जाए, तो इसमें जो है मतलब मजे की थ्योरी है इसकी। तो ये आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी और याद करनी पड़ेगी। दूसरी बात ये कि हम लोगों का एक सिलसिला हुआ करता था कि मैंने जो आज आपको पढ़ाया है कल मैं क्लास में सुनता होता था, ठीक है? तो वो आज से दोबारा स्टार्ट हो गया। अब सेल टैक्स स्टार्ट हुआ है तो सेल टैक्स में तो कोई छूट ही नहीं है ना कि आप कहें कि जी अच्छा जी मैंने आज नहीं पढ़ा और कल नहीं पढ़ा। ये आपके पीछे चाहे 10 चैप्टर रहते हैं या 2 चैप्टर रहते हैं या एक टॉपिक रहता है, जो पीछे रहता है रहता है, उसे आपने जैसे मर्जी कवर करना है, ये मेरा हेडिक नहीं है। लेकिन सेल टैक्स जो हम पढ़ रहे हैं आज, जो मैं आपको क्लास में पढ़ाऊंगा, जब आप वो कल क्लास में आएंगे तो आपको जुबानी याद होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पढ़ के आए हो और समझ के आए हो, नहीं, आपको जुबानी याद होना चाहिए, ठीक है? और दूसरी बात यह कि अगर आप वाकई ही टैक्स का पेपर देना चाहते हैं, टैक्स का पेपर दे के पास करना चाहते हैं, तो सेल टैक्स में आपने एक भी ऑफ नहीं करना, ठीक है? तो अब ये सेल टैक्स स्टार्ट हो गया है क्योंकि ये एक चेन है पूरी, ठीक है? ये हर टॉपिक जो है रिलेटेड है, तो आपको पता है 1.5 घंटे की क्लास होती है, अगर आप एक क्लास या 2 क्लासेस भी मिस करेंगे दरमियान में, आप काफी सारे पजल्स जो है क्या हो जाएंगे, आपके स्किप हो जाएंगे। तो फिर आप कहेंगे कि अच्छा जी आप आगे, मैं आगे हूँ तो मुझे समझ आ जाए, या सर ये पिछला समझाते हैं, सर ये बताते हैं, वो तो ऐसा नहीं। तो अगर आप वाकई टैक्स का पेपर देना चाहते हैं तो सेल टैक्स की सारी क्लासेस अटेंड करें, डेली बेसिस पे याद करें, जो जो मैं करवा रहा हूँ वैसे आप करते जाए, क्योंकि सेल टैक्स ऐसा टॉपिक है जो ये डिटरमन करता है कि
कि आपका पेपर फेल होना है या आपका पेपर पास होना है। अगर आपका सेल टैक्स बहुत अच्छे तरीके से तैयार है और आप सेल टैक्स बहुत अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर आते हैं, तो बहुत ज्यादा ब्राइट चांसेस हैं कि आपका पेपर पास हो जाएगा। अगर आपका सेल टैक्स अच्छे तरीके से तैयार नहीं है, ठीक है, और आप अच्छा अटेम्प्ट नहीं कर पाते, तो फिर बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपका पेपर फेल हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि ये सेल टैक्स अगर इतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर इतना ही ज्यादा है, तो हम इसे एंड में क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सेल टैक्स जो है स्लाइटली सा टेक्निकल है। जब तक आप लोगों की टैक्स की बेस नहीं बनी होगी, आप लोगों को टैक्स नहीं आता होगा, आपको यही नहीं पता होगा कि टैक्स है क्या, तब तक आपको सेल टैक्स समझ ही नहीं आएगा। तो सेल टैक्स करने से पहले इनकम टैक्स करना लाजमी है, ठीक है, क्योंकि इनकम टैक्स करके आपको समझ आ चुका होता है, टैक्स की बेस बन चुकी होती है, आपका एक जो है एप्टीट्यूड बन चुका होता है टैक्स, क्योंकि जाहिर है आप पहली दफ़े जिंदगी में टैक्स पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। तो इसलिए फिर क्या होता है, हम सेल टैक्स बाद में करवाते हैं। यही अगर सी फैब लेवल पे आप चले जाएं तो सी फैब लेवल पे चेंज हो जाता है, क्योंकि कैफ में आप टैक्स पढ़ के आए होते हैं, तो सी फैब में क्या होता है, सबसे पहले सेल टैक्स करवाया जाता है, सेल टैक्स और एफईडी करवाया जाता है, और उसके बाद जो है फिर इनकम टैक्स करवाया जाता तो ये कुछ बातें थी जो मैं आप लोगों को कहना चाहता था। होप्स हो कि आप लोगों ने अच्छे तरीके से सुन ली होंगी और जेन नशीन कर ली होंगी। तो अगर कल परसों मुझे कोई बच्चा कहे कि जी सर न्यूमेरिकल करवा दें या सर ये करवा दें वो करवा दें, तो ऐसा नहीं। जी, ये जो बातें अभी मैंने की हैं, अगर इसमें किसी को कोई मसला कुछ समझ ना आया हो तो बताएं। समझ आ गई? ठीक है, तो स्पेशली उकाशा, आप जो कि आपका इनकम टैक्स बहुत सारा रहता है, आप बहुत नॉन सीरियस थे, आपने पढ़ाई नहीं बिल्कुल भी, तो आप ये ना कल मुझे कहिएगा कि जी मेरा इनकम टैक्स रहता है तो मैंने अभी सेल टैक्स स्टार्ट नहीं किया, या ये नहीं किया वो नहीं किया। और अगर आपका कोई फ्रेंड है जो वाकई ही टैक्स का पेपर देना चाहता है, स्पेशली एक इधर पे मेहमान अदा आ रहा था अवैस, ठीक है, तो वो आप में से कोई कह रहा था कि उसने पेपर देना है देना है देना है, तो उसे कहते ना कि अगर पेपर देना है तो क्लास अटेंड कर ले, नहीं देना तो कोई मसला नहीं। जो चले, अजान हो रही है, अजान सुन लें, फिर उसके बाद हम इसे स्टार्ट करते हैं। ये लेंस सेल टैक्स पे आ जाते हैं। जी, सेल टैक्स क्या है? सबसे पहले ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि सेल टैक्स जो है वो क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स होने का मतलब क्या है कि अगर आप कोई भी गुड्स या फिर सर्विसेज लेते हैं, गुड्स को कंज्यूम करते हैं या सर्विसेज लेते हैं, तो तब आपको क्या देना पड़ेगा, सेल टैक्स देना पड़ेगा। जबकि डायरेक्ट टैक्स क्या है, इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है, उसमें क्या होता है कि अगर आपकी टैक्सेबल इनकम है तो आपने टैक्स देना है, अदरवाइज आपने टैक्स नहीं देना। तो सेल टैक्स में सिंपली क्या है कि अगर आप गुड्स कंज्यूम कर रहे हैं, अगर आप सर्विसेज ले रहे हैं, तो आपने सेल टैक्स देना ही देना है, ठीक है। जस्ट लाइक कि अभी उकाशा बिस्किट खा रहा है, ठीक है, तो ये सेल टैक्स दे रहा है। किस वजह से सेल टैक्स दे रहा है, क्योंकि इसने बिस्किट परचेज किया और उसको कंज्यूम किया, ठीक है। आप पानी मिनरल वाटर पी रहे हैं, ठीक है, उसके ऊपर सेल टैक्स दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपने मिनरल वाटर परचेज किया और उसके ऊपर आपको सेल टैक्स देना ही देना है। क्या पता नहीं क्यों इसे ऐसे बोंगे क्वेश्चंस का मेरे पास आंसर नहीं है।
ठीक है, तो सस्ता नशा करके नहीं आना क्लास में, महंगा नशा कर लो। तो ये ले जाइए, ये क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। क्योंकि आप गुड्स और सर्विसेज कंज्यूम कर रहे हैं इस वजह से। अब ये इनडायरेक्ट टैक्स इसलिए भी है क्योंकि अल्टीमेटली इसका जितना भी बर्डन है वो किसके ऊपर चला जाता है, एंड कंज्यूमर पे। एंड कंज्यूमर का मतलब क्या है, वो पर्सन जो गुड्स को कंज्यूम कर रहा है, वो पर्सन जो सर्विसेज ले रहा है। तो ये सेल टैक्स जितना भी है इसका सारे का सारा बर्डन किसकी जेब से जाना है, किस पे आना है, एंड कंज्यूमर के ऊपर आना है। जो मैन्युफैक्चरर है, होलसेलर है, रिटेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, इम्पोर्टर है, उन्होंने क्या करना है, उन्होंने तो ये शिफ्ट कर देना है एक पर्सन से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवें। कैसे वो शिफ्ट करते हैं वो भी अभी हम देख लेते हैं। अब इसके बाद ये कि ये जो सेल टैक्स है ना, ये दो स्टेजेस के ऊपर दिया जाता है। सबसे पहले स्टेज आपकी क्या है, परचेज। ठीक है, अगर आपने गुड्स परचेज किए हैं उस टाइम अगर आप सेल टैक्स दे रहे हैं तो ये आपका क्या कहलाएगा, इनपुट टैक्स कहलाएगा। ठीक है, ये बात मैंने पहले भी आपको बताई दी है। इसी तरह अगर आप गुड्स को सप्लाई कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, या सप्लाई बोला जाता है इधर, सेल नहीं बोला जाता, उस टाइम भी आपने सेल टैक्स देना होता है। और उस टाइम वाला जो सेल टैक्स होता है वो आपका क्या कहलाता है, आउटपुट टैक्स कहलाता है। इधर मैं पूरा ही लिख देता हूँ, वो टैक्स बाद में लिखेंगे। ये लें जी आउटपुट टैक्स। ठीक है, अब ये जो आउटपुट टैक्स है आपका, ये आपकी क्या होती है, लाइबिलिटी होती है। लाइबिलिटी का मतलब पता है आपको, इसका मतलब है ओब्लिगेशन होता है आपका कि आपने पे करना ही करना है। ऑन द अदर हैंड ये जो इनपुट टैक्स होता है, ठीक है, ये आपका क्या होता है, एसेट होता है। ठीक है, एसेट होने का मतलब क्या, कि ये जो है आपका एडजस्ट हो सकता है किसके अगेंस्ट, लाइबिलिटी के अगेंस्ट। तो अगर आपका इनपुट टैक्स जो आपने परचेज के टाइम पे किया है अगर वो एडजस्ट हो सकता है आउटपुट टैक्स से, तो उस इनपुट टैक्स को क्या बोला जाता है, उस इनपुट टैक्स को बोला जाता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। और ये क्या होता है, ये एसेट होता है। ठीक है, किस तरीके से, से आपने गुड्स परचेज की 100,000 की, ठीक है, जो जनरल सेल टैक्स है उसका रेट जो है वो क्या है, 18% है। ठीक है, अब आपने इसके ऊपर सेल टैक्स दिया जो कि आपका क्या है, इनपुट टैक्स, एट द रेट ऑफ 18% कितना बन गया, 18,000। ये अब आपका क्या है, एसेट है। ठीक है, अब अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं, आपने गुड्स परचेज की, इसके ऊपर वैल्यू एडिशन किया, इससे मैन्युफैक्चरिंग की जो भी काम करना था वो करके फिर आपने क्या किया, इन गुड्स को सप्लाई कर दिया। ये लीजिए, अब आपने इन गुड्स को सप्लाई किया, सपोज आपने जो सप्लाई की वो कितने की, 2 लाख रुपए की। अब इसके ऊपर सेल टैक्स कितना बन रहा है, 18% के हिसाब से 36,000। ये आपका क्या है, आउटपुट टैक्स, और ये आपकी क्या होती है, लाइबिलिटी। ठीक है जी, बताएं यहां तक किसी को कोई मसला, जी जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं उनको यहां तक समझ आ गया, किसी को कोई मसला तो नहीं। जी सर, समझ आ गया, क्लियर। चले जी, अब क्या होता है, ये ले जी, अब चूंकि ये आपकी लाइबिलिटी है तो इधर पे हम क्या कहते हैं कि आपका जो आउटपुट टैक्स है, जो आपकी लाइबिलिटी है वो कितनी अमाउंट है, 36,000। ठीक है, अब मैंने आपको क्या कहा कि ये जो आपने परचेज के वक्त सेल टैक्स दिया ये आपका क्या है, इनपुट, ये आपका एसेट है, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट है, तो ये आपकी लाइबिलिटी में से लेस हो सकता है।
तो आप इसमें से लेस करेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट, वो आपको कितनी अमाउंट का मिलेगा? 18,000 का। तो ये लें जी, आपका जो सेल टैक्स पेबल आ गया वो कितनी अमाउंट का आ गया? 18,000। ठीक है, तो ये ऐसे वर्कआउट हो रहा होता है जी। बताएं इसमें किसी को कोई मसला? अब इधर पे हमें एक बात पता लगी कि बेसिकली ये जो सेल टैक्स है ये किसके ऊपर लगता है? वैल्यू एडिशन पे लगता है बेसिकली जी। वैल्यू एडिशन पे लगने का मतलब क्या है? वैल्यू एडिशन पे लगने का मतलब ये है कि सपोज मिस सना जो है वो क्या है, मैन्युफैक्चरर, उन्होंने गुड्स कितने की परचेज की थी? 1 लाख रुपए की। इसके ऊपर उन्होंने कुछ प्रोसीजर परफॉर्म किया, मैन्युफैक्चरिंग की, पैकिंग वगैरह की, ठीक है, इसमें वैल्यू एडिशन की, और इसको कितने का सेल कर दिया? 2 लाख का। तो 1 लाख का लिया था, 2 लाख का सेल कर दिया, तो वैल्यू एडिशन इसने बेसिकली कितनी अमाउंट की किया? 1 लाख की। तो अब वो देखें, जो 1 लाख रुपए की वैल्यू एडिशन है बेसिकली ये टैक्स उसी के ऊपर दे रही है, 18,000। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, सेल टैक्स जो आप वैल्यू एडिशन करते हैं उसी के ऊपर ही आप दे रहे होते हैं, तो इसलिए इसे कहते हैं कि ये सेल टैक्स जो है वैल्यू एडिड मोड के ऊपर भी लग रहा होता है जी। इस बात में किसी को कोई मसला? अब मैंने आपको कहा कि ये जो सेल टैक्स है ना ये क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है, इसका सारे का सारा जो खमियाजा भुगतना पड़ता है, बर्डन लेना पड़ता है, वो किसको लेना पड़ता है? एंड यूजर को लेना पड़ता है। अब एंड यूजर को कैसे लेना पड़ता है? अब ये लें जी, हम ये एग्जाम्पल्स करते हैं। जस्ट लाइक सप्लाई चेन का मतलब आपको पता है कि जहां से गुड्स जनरेट होती हैं, मैन्युफैक्चर होती हैं, वहां से लेके एंड यूजर तक पहुंचने तक दरमियान में जितने भी पर्सन इन्वॉल्व होते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं? सप्लाई चेन कहलाते हैं। जिस तरह के सबसे पहले गुड्स इंपोर्ट होती हैं, मैन्युफैक्चर होती हैं, ठीक है, उसके बाद जो है वो डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाती हैं, फिर होलसेलर के पास जाती हैं, फिर रिटेलर के पास जाती हैं, और फिर क्या होता है आपके एंड कंज्यूमर के पास चली जाते हैं। एक स्टैंडर्ड सा ये होता है, ठीक है। तो अब इसकी अगर हम एक एग्जाम्पल करें, ये ले जी, इधर पे सबसे पहले हम कहते हैं कि मिस जो है विरोनिका है वो कौन है? इंपोर्टर, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद जो है ये मिस सना है ये कौन है? मैन्युफैक्चरर। चलें जी, अभी हमने एग्जाम्पल की, मिस सना ने गुड्स परचेज की थी, ठीक है, कितने की? 1 लाख की। उस पे सेल टैक्स कितना था? 18,000, ठीक है। ये लें जी, अब इसने क्या किया, मिस सना ने मैन्युफैक्चर की, अब ये उसने क्या कर दिया, ये आगे ट्रांसफर कर दिया, ये लें जी, डिस्ट्रीब्यूटर को, वो कौन है? मिस हुमा। ये कौन है? डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर को जी। अब इसने सेल कितने की है? मिस सना ने जो सेल की है वो कितने की है? 2 लाख की, ठीक है, और उसके ऊपर जो है क्या किया है इसने? 36,000 जी। ये एग्जाम्पल अभी हमने की। अब देखें हुआ क्या बेसिकली, अब मिस सना ने परचेज की ये वाली गुड्स कितने की? 18,000 रुपए की, 1 लाख की परचेज की, इसके ऊपर टैक्स कितना दिया? 18,000 रुपए। आगे इसने सेल कितनी की? 2 लाख की, और इसके ऊपर सेल टैक्स कितना था? 36,000 रुपए। अब इसने ये जो मिस हुमा है डिस्ट्रीब्यूटर उससे टोटल कितने पैसे लिए? 2,36,000 रुपए, ठीक है। इसमें ना सिर्फ ये 2 लाख शामिल है बल्कि 36,000 जो है क्या चीज शामिल है? सेल टैक्स भी शामिल है। तो अब ये जो मिस सना है इसने अपना बर्डन किसके ऊपर ट्रांसफर कर दिया? मिस हुमा के ऊपर ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। अब ये देखें 18,000 रुपए ये ऑलरेडी टैक्स दे चुकी थी, 36,000 ये था, तो नेट इम्पैक्ट कितना बना? 18,000। ये इसने क्या किया? एफबीआर को दे दिया,
ठीक है, इधर पे इस स्टेज के ऊपर इसने नेट इम्पैक्ट कितना दिया, 18,000 पे एफपीआर को दे दिया। अब मिस सना ने क्या किया, ये ले जी, मिस सना ने ये परचेज किए हैं। अब इसके लिए ये परचेज है जी, परचेज कितने की इसने, 2 लाख की। ठीक है, इसके ऊपर टैक्स कितना है, 36,000। ये इसका क्या है, इनपुट टैक्स। ये ले जी, ये कौन है, डिस्ट्रीब्यूटर। चले जी, मिस सना ने क्या किया, अब इसके बाद ये एक होलसेलर है मिस्टर रिजवान, होलसेलर। ठीक है, उसको इसने सेल किया कितने का कर दिया, 3 लाख का जी। 3 लाख रुपए पे 18% के हिसाब से बताएं कितना बनता है, 54,000। ठीक है, तो अब मिस सना ने क्या किया, मिस हुमा ने, ठीक है, कि अब इसने जब ये 2 लाख रुपए की गुड्स परचेज की थी, तो इस टाइम उसने क्या दिया था, सेल टैक्स दिया था 36,000 का। अब जब ये 3 लाख रुपए की गुड सेल कर रही है, तो इसके ऊपर 54,000 जो सेल टैक्स है वो किससे रिकवर कर रही है, रिजवान से। रिजवान से ये कितने पैसे ले रही है, 354,000 ले रही है। उसमें क्या किया, 3 लाख रुपए इसकी अपनी सेल है, 54,000 इसका क्या है, सेल टैक्स। ठीक है, अब इसमें क्या है, 36,000 ये ऑलरेडी पे कर चुकी है, तो बाकी जो 18,000 रुपये था वो इसने क्या किया, एफबीआर को पे कर। ठीक हो गया, अब मिस्टर रिजवान जो है इसने क्या किया, ये ले जी, अब इसने जो है परचेज इसकी कितने की बनी, ये ले जी, इसकी परचेज बनी 3 लाख रुपए की, इसके ऊपर टैक्स कितना बना, 54,000। ठीक है, अब इसने आगे ये किसको दे दिया, आगे इसने रिटेलर को दे दिया, मिस्टर ओकाशा को। ये लें जी, रिटेलर को दे दिया जी। अब इसने रिटेलर को कितने का दिया, इसने रिटेलर को दे दिया से, ये इसने सेल किया है 350,000। ठीक है, अब 350,000 पे आउटपुट टैक्स बताएं कितनी अमाउंट का बनता है, 18% के हिसाब से 63,000। ये लें जी, अब इसने उकाशा से कितने पैसे रिकवर किए, 350 प्लस 63 कितने बनते हैं, 413,000। इसमें से 3,50,000 इसकी सेल है, और 63,000 क्या है, सेल टैक्स, आउटपुट टैक्स, लाइबिलिटी। लेकिन इसमें से 54,000 तो ये ऑलरेडी रिजवान को दे चुका था, ठीक है, जब इसने परचेज की थी, तो ये क्या हो चुका था, रिजवान ने किससे परचेज की थी, हुमा से परचेज की थी, तो 54,000 तो ये दे चुका था, तो बाकी रिमेनिंग कितनी अमाउंट है, ये ले जी, ये इसने क्या किया, एफबीआर को दे दिया। ठीक हो गया, अब इसके बाद क्या हुआ, मिस्टर उकाशा, ठीक है, इनकी परचेज कितने की बन रही है, 350,000, इसके ऊपर इनपुट टैक्स कितना बन गया, 63,000। ठीक है, अब क्या है, एंड यूजर है, एंड यूजर का नाम क्या है, मिस्टर असद। उन्होंने क्या किया, ये 5 लाख रुपए की उनसे ना भी प्रॉफिट मार्जिन नहीं होता, 4 लाख की, ये 4 लाख की उन्होंने परचेज कर ली, असद की परचेज है, उकाशा की क्या बनी, सेल जी। इसके ऊपर आउटपुट टैक्स कितना बना, 18% के हिसाब से 72,000। अब इसने असद से कितने पैसे कलेक्ट किए हैं, 472,000। ठीक है, इसमें से ये 63,000 इनपुट की सूरत में ऑलरेडी दे चुका था, ठीक है, जब इसने किससे परचेज की थी, रिजवान से, ठीक है, होलसेलर से, काशा ने। ठीक है, तो अब बाकी कितने पैसे इसके बचते हैं, 9,000। ये ले जी, ये इसने क्या किया, एफपीआर को दे दिया। ठीक है, अब मिस्टर असद की बात देखिए, मिस्टर असद के लिए ये परचेज कितने की बनी, ये ले जी, इसके लिए बन गई 472,000।
अब मिस्टर असद चूंकि एंड कंज्यूमर है, ठीक है, तो इसने गुड्स लेके सारी की सारी कंज्यूम कर ली, तो इस वजह से जितना भी टोटल सेल टैक्स था उसका बर्डन किसके ऊपर पड़ गया, मिस्टर असद के ऊपर पड़ गया। इसने अपना बर्डन आगे किसी को ट्रांसफर नहीं किया, जबकि ऑन दी अदर हैंड हम इधर पे देखें, इधर पे सबसे पहले क्या मिस सना मैन्युफैक्चरर, उसने क्या किया इंपोर्टर से लिया, आगे डिस्ट्रीब्यूटर को दिया, उसने अपना जो बर्डन था डिस्ट्रीब्यूटर को ट्रांसफर कर दिया, डिस्ट्रीब्यूटर ने किसको ट्रांसफर कर दिया, होलसेलर को कर दिया, होलसेलर ने किसको कर दिया, रिटेलर को कर दिया, और रिटेलर ने पकड़ के जो है सारा बर्डन किसके ऊपर ट्रांसफर कर दिया, एंड कंज्यूमर पे कर दिया। अब ये देखें एफबीआर को जो है ये पूरी सप्लाई चेन में क्या मिलते रहे हैं, टैक्स मिलता रहे। अब एफबीआर को टोटल टैक्स कितना मिला, ये देखें 9,000 ये मिला एफबीआर को, ठीक है, 9,000 ये वाला मिला एफबीआर को, ठीक है, 18,000 पे ये वाला मिला, ठीक है, 18,000 पे ये वाला मिला और 18,000 ये वाला मिला, तो ये टोटल देखें कि कितनी अमाउंट बन जाती है, ये मेरे ख्याल में 72,000 बन जाएगा, ठीक है, तो ये ले जाए 72,000 ऑलरेडी जो है एफबीआर क्या कर चुका है, कलेक्ट कर चुका है सेल टैक्स सप्लाई चेन में डिफरेंट उस स्टेजेस के ऊपर। तो इसलिए बोला जाता है कि ये जो सेल टैक्स होता है ये क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है, इसका नेट इम्पैक्ट जो जाता है वो बेचारे गरीब जो लोग होते हैं एंड कंज्यूमर उनके ऊपर जाता है, ठीक है, जो मैन्युफैक्चरर होते हैं उनके ऊपर तो फर्क ही नहीं पड़ता, उनको एक तरफ से आता है टैक्स वो आगे दूसरे पे ट्रांसफर कर देते हैं, तो सप्लाई चेन में तो लोग एक दूसरे के ऊपर ट्रांसफर करते रहते हैं, तो एंड कंज्यूमर ने तो किसी पे ट्रांसफर नहीं करना होता, इसलिए वो सारे का सारा बियर कर रहा होता। जी बताएं, ये सप्लाई चेन वाली बात समझ आ गई, इनडायरेक्ट टैक्स वाली बात समझ आ गई, इनपुट टैक्स क्या होता है ये पता लग गया, आउटपुट टैक्स क्या होता है ये भी पता लग गया, ठीक है जी। अगर कोई इसकी स्क्रीनशॉट्स लेना चाहता है तो ले सकता, हो गया जी, जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं उनको समझ आ रही है, किसी को कोई मसला तो नहीं, ये लें जी। बट इज सेल टैक्स इज इनडायरेक्ट टैक्स, टैक्स लिवाइड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज रेदर देन ऑन इनकम और प्रॉफिट्स। मैंने आपको बता दिया सेल टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स होता है जो कि किसके ऊपर लग रहा होता है, गुड्स और सर्विसेज पे। सेल टैक्स इज अ वैल्यू एडेड टैक्स दैट इज कलेक्टेड फ्रॉम होल सप्लाई चेन, इंपोर्टर, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर विद सर्टन एक्सेप्शन। तो ये वैल्यू एडिशन टैक्स है, जो जितना वैल्यू एडिशन कर रहा होता है उसे उतना टैक्स ले लिया जाता है पूरी सप्लाई चेन में। मैंने पूरी एग्जाम्पल करके आपको बता दिया। सेल टैक्स पेड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज इज जनरली कॉल्ड आउटपुट टैक्स। तो जो गुड्स आप सेल कर रहे होते हैं या सर्विसेज आप सेल कर रहे होते हैं, सप्लाई कर रहे होते हैं, उसके ऊपर जो सेल टैक्स है उसे आउटपुट टैक्स कहते हैं। आउटपुट टैक्स इज लाइबिलिटी एंड पेड टू एफबीआर। आउटपुट टैक्स आपकी क्या होती है, लाइबिलिटी होती है, और वो एफबीआर को जमा करा दी जाती है। सेल टैक्स पेड ऑन परचेज ऑफ गुड्स सर्विसेज इज जनरली कॉल्ड इनपुट टैक्स। जो आप गुड्स परचेज करते हैं या सर्विसेज रिसीव करते हैं उसके ऊपर जो सेल टैक्स देते हैं उसको इनपुट टैक्स बोलते हैं। इफ इनपुट टैक्स कैन बी एडजस्टेड डिडक्टेड अगेंस्ट आउटपुट टैक्स देन इट इज कॉल्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड ट्रीटेड एज एसेट। अगर आप इनपुट को आउटपुट में से लेस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट, और वो क्या होता है, एसेट होता है। अच्छा, और अगर आप इनपुट में से इसको इनपुट को आउटपुट में से लेस नहीं कर सकते तो फिर वो क्या कहलाएगा, नहीं फिर वो बन जाएगा एक्सपेंस। अगर इनपुट टैक्स जो है आप अपने आउटपुट टैक्स में से लेस नहीं कर सकते
तो फिर वो एसेट नहीं होगा, बल्कि फिर वो क्या बन जाएगा, एक्सपेंस बन जाएगा। और जब वो एक्सपेंस बनेगा तो फिर क्या होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स में ऐड हो जाएगा। जब कॉस्ट ऑफ गुड्स में वो ऐड होगा तो इनकम फ्रॉम बिजनेस में वो क्या हो जाएगा, अलाउबल डिडक्शन। तो यही हमने पढ़ा था ना कि अगर इधर पे कोई एसेट है वो आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में से लेस हो सकता है, तो इनकम फ्रॉम बिजनेस में वो क्या होता है, इनएडमिसिबल होता है। और अगर इधर पे वो इनएडमिसिबल है, एक्सपेंस ट्रीट हो रहा है, आउटपुट में से लेस नहीं हो सकता, तो इनकम फ्रॉम बिजनेस के लिए वो क्या बन जाता है, एडमिसिबल एक्सपेंस बन जाता है। याद आई ये वाली बात, मैंने कहा था तब मैं कोरिलेट करूंगा, तब भी मैंने काफी डिटेल में बताई थी बात, लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट्स हैं उनको समझ नहीं आई थी उस टाइम। अब होप सो कि शायद समझ आ गई हो। एग्जाम्पल मैंने इधर पे बना दिया यही डेबिट क्रेडिट, ठीक है, कि जब आप गुड्स परचेज करते हैं तो डेबिट क्या क्या होता है, आपकी जो आपने परचेज किया, ठीक है, ये एक्सपेंस, एक्सपेंस आपका कहाँ पे जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इनपुट टैक्स 18,000 रुपये, ये आपका कहाँ जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, ये आपका क्या है, एसेट है। कैश एंड बैंक पेबल आ गया ये 1,18,000 का। जब आप सेल करते हैं तो कैश एंड बैंक 2,36,000 का आ गया सेल, ये कहाँ पे जाएगी, आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी है, ये कहाँ पे जाएगी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन पे, ठीक है। और इस तरह आपका सेल टैक्स पेबल कैसे निकलता है, आउटपुट टैक्स जो लाइबिलिटी है उसमें से इनपुट लेस करते हैं, तो ये आपका 18,000 पेबल आ जाता है, ठीक है जी। बताएं यहाँ तक, इम्पोर्टेंट नोट में वही बात लिखी हुई है कि ये क्या है, ये वैल्यू एडिशन पे लग रहा है। वैल्यू एडिशन का मतलब क्या, कि आपने गुड्स परचेज की थी 1 लाख की, सेल के 2 लाख की, वैल्यू एडिशन कितना किया, 1 लाख, तो 1 लाख रुपए पे 18,000 ये वाला है, ये पेबल बन। तो ये वही बातें लिखी हुई जो अभी मैंने आपको समराइज करके बता दी। यहां तक किसी को कोई मसला, कोई बात समझ ना आई हो तो बताते हैं आगे। चले मैं पानी पी लूं। माइनस में कहां पे जवाब आएगा बेटा, देखिए वो एसेट बनेगा ही नहीं। अगर ये आपका ने जो परचेज के टाइम पे जो आपने सेल टैक्स दिया है, इनपुट टैक्स, अगर ये आप लाइबिलिटी में से लेस नहीं कर सकते, तो फिर ये एसेट नहीं है, फिर ये एक्सपेंस बनेगा जी। 18,000 रुपये जब एक्सपेंस होगा तो ये कहां पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाने का मतलब क्या है, कि इनकम में से लेस होगा, ठीक है, क्लियर। अच्छा जी, अभी मैंने आपको क्या कहा कि सेल टैक्स किसके ऊपर लगता है, गुड्स पे, दो चीजों पे लग रहा होता है ना सेल टैक्स, गुड्स सर्विस। अच्छा जी, सेल टैक्स जो गुड्स के ऊपर लगता है इसको कौन देखता है, फेडरल। इसको कौन देख रहा है, फेडरल गवर्नमेंट देख रही है, ठीक है। और इसके लिए जो लॉ है वो क्या है, सेल टैक्स एक्ट 1990, ठीक है। और टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, एफबीआर, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। तो इसका मतलब क्या है कि जो गुड्स के ऊपर सेल टैक्स लगता है वो कौन लगाता है, फेडरल गवर्नमेंट लगाती है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड जो आपकी सर्विसेज हैं इसके ऊपर जो सेल टैक्स लगता है वो कौन लगाता है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट। ठीक है, और प्रोविंशियल, और हर प्रोविंस का अपना अलग लॉ है। आपके चार प्रोविंसेस हैं,
ठीक है, बल्कि पांच। इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी अलग है, ठीक है। तो ये पंजाब पाकिस्तान पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी अलग है, सिंध की रेवेन्यू अथॉरिटी अलग है, बलूचिस्तान की अलग है, ठीक है, केपी की के अलग है, और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी की अलग है, ठीक है। तो सर्विसेज पे जो टैक्स लग रहा होता है वो कौन लगा रहा होता है? प्रोविंशियल गवर्नमेंट लगा रही होती है। अब कैप लेवल पे आप लोगों का जो सिलेबस का हिस्सा है वो स्लाइटली सा सिर्फ कितना है? ये इतना, ये भी बिल्कुल थोड़ा सा है, ठीक है। सिर्फ गुड्स के ऊपर आपने सेल टैक्स पढ़ना है और सेल टैक्स एक्ट 1990 पढ़ना है। बाकी ये जो सर्विसेज के ऊपर सेल टैक्स है, ये जो प्रोविंशियल के सेल टैक्स हैं, ठीक है, ये जब आप उसमें जाएंगे सीफैब में जाएंगे तो तब उधर पे जाके आप पढ़ेंगे। क्या जी? जब हम उधर पे जाएंगे तो उधर पे स्कोप बताया होगा कि कौन कौन सी सर्विसेज हैं जिनके ऊपर सेल टैक्स लगना है। पंजाब का अलग है, सिंध का अलग है, केपीके का अलग है, बलूचिस्तान का अलग है, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी का अलग है। क्या? हाँ, सीफैब में जाके याद करना पड़ेगा। अभी तो खाली बस यही है, गुड्स वाला ही है ये। उधर पे तो ओपन बुक पेपर है, याद करने की जरूरत ही नहीं है, बुक खोल के आपने पेपर करना। चलें जी, आप लोग कभी रेस्टोरेंट में गए हैं खाना खाने? होटल वगैरह में आप लोग गए होंगे? नहीं, कभी नहीं गए। चलें जी, अब एक और मजे की मैं आपको बात बताता हूँ। अब ये जो रेस्टोरेंट है, इधर पे जो आप खाना खाते हैं, अब ये क्या है? सर्विसेज हैं कि गुड्स हैं? दोनों है। चलें जी, अब लॉ में ना इसके रिगार्डिंग काफी जो है कंट्रोवर्शियल है, तो अब इसको क्या समझा जाता है? इसको सर्विसेज समझा जाता है। इसलिए आप जब रेस्टोरेंट्स पे जाते हैं, उधर पे जो आप फूड कंज्यूम करते हैं उसके ऊपर जो टैक्स लग रहा होता है वो प्रोविंशियल लॉ के अंडर लग रहा होता है। इसलिए आप कभी गौर से देखिएगा, अगर किसी ब्रांडेड जगह पे आप जाएंगे खाना खाने तो उधर पे जो सेल टैक्स लग रहा होगा, एक तो उधर पे पीआरए लिखा होगा। पीआरए का मतलब क्या है? पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी, उसके अंडर सेल टैक्स लग रहा होता है, और उसका जो रेट होगा वो आप देखेंगे क्या लगा होगा, 16% लगा होगा, ठीक है जी। कहाँ से खाना खाया बताएं? हाँ, ग्रैंड विला, 16% लगा हुआ है, ठीक है। और अगर आप क्रेडिट कार्ड पे पेमेंट कर दें तो 5% लग जाएगा। किस पे पेमेंट की हुई है? 5 पे, कैश पे। ओए होए, इतना नुकसान कितना? 11% था। क्या नहीं करते? पेमेंट ही नहीं करनी चाहिए, खाना ही नहीं खाना चाहिए, मैं तो करता हूँ। चले जी, प्रोविंशियल आला आपके सिलेबस में कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ मैंने आप लोगों को जनरल नॉलेज के लिए बताया, ठीक है, कि जो सर्विसेज पे सेल टैक्स लगता है प्रोविंशियल लॉ के अंडर लगता है, और जो गुड्स पे लगता है जो अब हम पढ़ने लगे हैं सेल टैक्स एक्ट 1990, क्योंकि आपके सिलेबस का जो हिस्सा है वो सेल टैक्स एक्ट 1990 है, और सेल टैक्स के रूल्स हैं कुछ थोड़े से, ठीक है, वो आपके सिलेबस का हिस्सा है, ठीक है। वो सारा कुछ मेरे नोट्स में दिया हुआ है, अलग से आपको याद करने की जरूरत नहीं। क्लियर ये बात? जी, इधर पे हम आ जाते हैं एक्सटेंड एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेल टैक्स एक्ट 1990। जिस तरह के हम फेडरल गवर्नमेंट का लॉ पढ़ रहे हैं सेल टैक्स, तो उसने पूछा कि ये सेल टैक्स एक्ट 1990 किस किस के ऊपर एप्लीकेबल है? भाई, पाकिस्तान की हदूद में जितने भी एरियाज आते हैं उन सब पे ये एप्लीकेबल है। पाकिस्तान की हदूद में क्या आते हैं? चारों सूबे आते हैं, और क्या आता है? इस्लामाबाद आता है। तो चारे सूबों में और इस्लामाबाद में जो भी गुड्स की ट्रेडिंग वगैरह हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जो भी हो रहा है उसके ऊपर सेल टैक्स जो लग रहा है वो सेल टैक्स एक्ट 1990 के अंडर लग रहा है। तो ये ऑल टेरिटरीज ऑफ पाकिस्तान के ऊपर एप्लीकेबल है। ये लें जी, इसके बाद हम आ जाते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड डेफिनेशंस पे। हम आ जाते हैं जी, इधर पे हम आ जाते हैं टैक्स। जी, टैक्स का मतलब क्या है? भाई, सेल टैक्स में जब भी आप वर्ड टैक्स पढ़ेंगे तो इसका मतलब क्या होगा? सेल टैक्स। अगर सेल टैक्स में वो किसी और टैक्स का जिक्र करेंगे
तो उसका बकायदा तौर पे नाम लिखा होगा, जस्ट लाइक कि इनकम टैक्स लिखा होगा, फेडरल एक्साइज ड्यूटी लिखी होगी या कस्टम ड्यूटी लिखी होगी, वट्स एवर जो भी लिखा होगा। तो सेल टैक्स एक्ट 1990, सेल टैक्स पढ़ते हुए जब भी आप टैक्स वर्ड पढ़ेंगे तो उसका मतलब क्या होगा? सेल टैक्स। ठीक है। अच्छा भाई, अब ये जो हम सेल टैक्स की डेफिनेशंस पढ़ रहे हैं, ये सारी डेफिनेशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकली कॉन्सेप्चुअल वाइज तो आपकी ये टेस्ट होनी ही होनी है। सम टाइम इन डेफिनेशंस में से स्ट्रेट फॉरवर्ड पेपर आ जाता है, क्योंकि इसमें से तकरीबन उन्होंने जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि 20 से 30 नंबर का पेपर पूछेंगे। तो तकरीबन जो आई कैप की वेटेज होती है हमेशा वो 28 से 30 नंबर का होता है, 28 से 30 नंबर का पेपर आता ही आता है। उसमें से 17-18 नंबर का एक फुल फ्लेज न्यूमेरिकल होता है और 10-11-12 नंबर की जो है थ्योरी होती है। और वो जो थ्योरी होती है वो किसी भी जगह से कुछ भी पूछ सकते हैं। तो इसलिए सेल टैक्स में तो अगर आप कहेंगे ना कि कोई एक छोटा सा नोट लिखा हुआ है या कोई दो लाइनें लिखी हुई है वो मैं स्किप कर दूं या कुछ कर दूं, तो सेल टैक्स में कुछ भी स्किप नहीं करना आपने, सेल टैक्स में सब कुछ याद करना। हाँ वही याद जाता है। हाँ बिल्कुल। किनको? बस वो किसी ना किसी स्टूडेंट ने छोड़ी होती है ना, तो इसलिए किसी ने की भी होती है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। लेकिन सेल टैक्स में से तो कुछ भी छोड़ना ना बेवकूफी है, बिल्कुल बेवकूफी है। नहीं मतलब आप एक रिस्क ले सकते हैं, ठीक है, अगर आपने पूरे 4 माह, क्योंकि 6 माह तो नहीं कहना चाहिए, 4 माह का होता है ना आपका टेन्योर, अगर आपने पूरे 4 माह नहीं पढ़ा, 4 माह से आपने 3 माह एंजॉय करते गुजार दिया और इधर उधर ऐसी चीजों में, तो ठीक है, अगर आप कैलकुलेटेड होके करना चाह रहे हैं तो रिस्क आपको स्मार्ट वर्क में लेना चाहिए। ठीक है, कि अब कुछ चीजें जिस तरह के सेल टैक्स, तो सेल टैक्स अगर किसी ने बाकी पेपर पास करना है तो मैं कहूंगा सेल टैक्स में से एक चीज भी ना आप छोड़ो। इनकम में से क्या छोड़े? इनकम में से छोड़ा जा सकता है, लेकिन बात यही है ना कि आपने अगर नहीं पढ़ा, अगर आप वैसे ही सेकंड अटेम्प्ट रहे, मतलब ये कि पहले आपने नहीं पेपर दिया था किसी भी वजह से, अब आप देना चाह रहे हैं कुछ, तो फिर तो आपको रिस्क लेने की जरूरत ही नहीं ना। ये तो वो निकम्मे बच्चों के लिए जिन्होंने 3 माह नहीं पढ़ा, 1 माह पढ़े हैं, वो उनका तो स्टेक भी होता है ना कि पेपर पास हो गया तो हो गया, ना हुआ तो ना हुआ। तो उसमें फिर ये होता है कि कैलकुलेटेड से कुछ चीजें कर लेते हैं कि ये कर लो कि आप तो इसमें से 81 नंबर का पेपर आपका सॉल्व हो जाए, अच्छा हो जाएगा, तो शायद हो जाए शायद ना हो। तो अगर आप कंफर्मेशन चाहते हैं फिर तो बाकी आपको कुछ नहीं छोड़ना चाहिए। चलें जी, इसके बाद हम कहते हैं कि सेल टैक्स क्या होता है जी। इसमें वो कहते हैं कि सेल टैक्स मीन्स द टैक्स, ठीक है, सेल टैक्स में जो टैक्स लग रहा है वो भी सेल टैक्स कहलाएगा। इसके अलावा अगर इसमें कोई एडिशनल टैक्स लग रहा है तो वो भी क्या कहलाता है? सेल टैक्स ही कहलाता है। जो डिफॉल्ट सर चार्ज लग रहा होता है अंडर द एक्ट वो भी क्या कहलाता है? सेल टैक्स कहलाता है। डिफॉल्ट सर चार्ज क्या होता है? अगर आप ड्यू डेट के बाद पेमेंट करते हो तो जो एडिशनल अमाउंट देनी पड़ती है वो क्या होता है? डिफॉल्ट सर चार्ज होती है। इसके अलावा सेल टैक्स में अगर कोई फाइन आपसे ले रहे हैं, कोई पेनल्टी जुर्माना ले रहे हैं, कोई फीस ले रहे हैं अंडर द एक्ट, तो वो भी आपकी क्या कहलाती है? सेल टैक्स ही कहलाती है। इसके अलावा कोई भी अमाउंट जो पेएबल है अंडर द प्रोविजन ऑफ एक्ट, एक्ट का मतलब क्या है? सेल टैक्स एक्ट 1990, तो वो क्या कहलाती है? सेल टैक्स कहलाती है। जी बताएं, सेल टैक्स की डेफिनेशन में किसी को कोई मसला? अब बड़ा सरप्राइजिंगली होगा कि सेल टैक्स की डेफिनेशन भी पूछ लेता है क्या। ठीक, तो सिर्फ बताने की ये आप लोगों के इधर पे मैं बार बार एम्फोसिस इसलिए दे रहा हूँ कि वो स्टूडेंट जो बार बार पूछते हैं कि सर क्या पढ़ रहे हैं, क्या याद करना है कि नहीं करना या कुछ इस तरह, तो इसको तो रट्टा लगाना है, सीधी बात है। ठीक है, चाहे आप इसको याद करना के रट्टा लगाना के क्रैमिंग बोलें या लर्न बाय हार्ट बोलें या कंसेप्चुअल बोलें, जो भी, लेकिन ये बातें जो लिखी हुई याद होनी चाहिए। जी, उसके बाद हम आ जाते हैं गुड्स की डेफिनेशन पे। अभी हमने क्या पढ़ा कि सेल टैक्स किसके ऊपर एप्लीकेबल है? गुड्स के ऊपर। तो सबसे पहली बात यह है कि आपको गुड्स का पता होगा तो फिर ही आप सेल टैक्स चार्ज करोगे ना, जब आपको गुड्स का ही नहीं पता होगा तो सेल टैक्स कैसे चार्ज करोगे? चले जी, इसमें वो कहते हैं कि गुड्स इंक्लूड एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन। तो इधर पे सबसे पहली बात हमें पता लगी कि गुड्स की डेफिनेशन में सिर्फ क्या चीज आती है? जो मूवेबल प्रॉपर्टी है।
अगर आपकी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो वो गुड्स की डेफिनेशन में फॉल नहीं करेगी। तो बताएं लैंड क्या होती है, मूवेबल की इमूवेबल? तो इसका मतलब है कि लैंड गुड्स नहीं है, उसके ऊपर सेल टैक्स नहीं लगेगा। इसके अलावा बिल्डिंग क्या है, इमूवेबल? तो इसका मतलब ये है कि वो भी गुड्स नहीं है, उसके ऊपर भी सेल टैक्स नहीं लगेगा। प्लांट एंड मशीनरी क्या होती है, मूवेबल है, इसका मतलब उस पर सेल टैक्स लगेगा। चले जी, रिजवान सोच में पड़ गया कि प्लांट एंड मशीनरी क्या है, मूवेबल है इमूवेबल है। ये मैं इसलिए पूछा क्योंकि जब हमने कैपिटल गेन्स पढ़ा था तब स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज हुए थे मूवेबल प्लांट एंड मशीनरी के, ये तो इमूवेबल होता है, वो फिक्स एसेट के साथ उसको वो कर रहे थे। किसी को याद है कि नहीं याद? मुझे ये बात याद है थोड़ी। चले जी, उसने कहा कि मूवेबल जो भी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी का मतलब होता है ऑल काइंड्स ऑफ एसेट, ऑल टाइप्स ऑफ गुड्स, ठीक है। अब उसने कहा अदर देन, अदर देन का मतलब क्या, उसने एक्सेप्शंस दे दी। उसने कहा कि कौन कौन सी मूवेबल चीजें हैं जो गुड्स की डेफिनेशन में नहीं आएंगी। अब इसमें उसने सबसे पहले बात की एक्शनेबल क्लेम्स। अच्छा जी, एक्शनेबल क्लेम्स क्या होते हैं, 2 मिनट बाद बताता हूँ मैं आपको। इसके अलावा मनी, मनी का मतलब पता है, पैसा, नोट, रुपया, ठीक है, पैसा फेंक, तमाशा देख, ठीक है, मैं बारिश कर दूं पैसे की, ठीक है। तो ये ले जी पैसा, ये जो है गुड्स है लेकिन इसके ऊपर सेल टैक्स नहीं लगता, ठीक है। इसके अलावा स्टॉक्स, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज। स्टॉक, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज का मतलब पता है क्या होता है? स्टॉक्स क्या कहा आपने? नहीं, ये वो इन्वेंट्री वाला नहीं है, ये स्टॉक शेयर्स वाला कौन सा है जो हमने कैपिटल गेन्स में पढ़े थे। स्टॉक, शेयर, सिक्योरिटीज, ठीक है, पब्लिक कंपनी के शेयर्स, प्राइवेट कंपनी के शेयर्स, रिडीमेबल कैपिटल, ठीक है, डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स, ठीक है, ये जितनी भी चीजें हैं ये सारी क्या है, ये गुड्स की डेफिनेशन में नहीं आते। तो बेटा उसने क्या कहा अदर देन, उसने कहा सारी मूवेबल गुड्स लेकिन इन मूवेबल गुड्स के अलावा, ठीक है। तो ये जो स्टॉक, जिस तरह के अभी हुमा इसको मिसअंडरस्टैंडिंग कर रही थी कि ये इन्वेंट्री है, तो ये इन्वेंट्री नहीं स्टॉक बल्कि ये क्या है, शेयर्स है, ठीक है, शेयर्स, डिबेंचर्स, डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स, सिक्योरिटीज वगैरह, ठीक है, डेट सिक्योरिटीज, ये जितनी भी चीजें हैं ये जो है गुड्स की डेफिनेशन में फॉल नहीं करते, इसलिए इनके ऊपर जो है सेल टैक्स नहीं लगेगा। जी बताएं इसमें किसी को कोई मसला? अच्छा जी, अब इधर पे उसने क्या कहा, किसी मूवेबल पे लगेगा, तो इसका मतलब क्या है कि जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है लैंड एंड बिल्डिंग, उसके ऊपर सेल टैक्स नहीं लगेगा। जी जी 2 मिनट हो गए तो बता नहीं लगा। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, इसके ऊपर नहीं लगता। अब बात आ जाती है कि एक्शनेबल क्लेम्स क्या होते हैं। एक्शनेबल क्लेम्स रेफर्स टू जस्ट लाइक प्रॉमिसरी नोट, ठीक है, बी लॉ पढ़ रहे हैं आप लोग, प्रॉमिसरी नोट पढ़े हैं आप लोगों ने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में, प्रॉमिसरी नोट नहीं पढ़े? अच्छा चलो जी, जब पढ़ लोगे तो तब पता लग जाएगा। अच्छा, प्रॉमिसरी नोट्स हो गए, इसके अलावा आपके हो गए डिस्काउंट वोचर्स हो गए। डिस्काउंट वोचर का मतलब पता है? चले जी, अब ये क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ। आप गए किसी भी ब्रांड पे, जस्ट लाइक के आप यूनिवर्थ पे गए शॉपिंग करने, उन्होंने कहा कि अगर आप 10,000 रुपये की शॉपिंग करेंगे तो ये आपको एक डिस्काउंट वोचर मिलेगा कि आप जब हमारे पास शॉपिंग करेंगे तो आपको 10% हम डिस्काउंट देंगे। सुने हैं इस तरह की बातें आप लोगों ने? जिस तरह की किसी भी ग्रोसरी स्टोर पे आप जाते हो, जिस तरह के इम्तियाज पे चले जाओ, या मेट्रो कैश पे, व्हाट्सएवर, उसमें यही होता है कि 20,000 की शॉपिंग करोगे तो आपको डिस्काउंट वोचर मिल जाएगा, डिस्काउंट कार्ड मिल जाएगा कि नेक्स्ट शॉपिंग के ऊपर आपको 10% या 15% ऑफ मिल जाएगा या कुछ। तो अब उधर पे जो आपको ये डिस्काउंट वोचर या फिर जो ये डिस्काउंट कार्ड मिलता है ना, ये क्या चीज होती है, ये एक्शनेबल क्लेम होता है। ये एक्शनेबल क्लेम जो है गुड्स की डेफिनेशन को मीट नहीं करता, ठीक है। तो ये जो आपको राइट मिलता है ना
कि आप 10% डिस्काउंट ले सकते हैं या 15% डिस्काउंट ले सकते हैं, ठीक है? तो ये क्या है, ये बजाते खुद गुड्स नहीं है, इसके ऊपर सेल टैक्स नहीं लगता, ठीक है जी? बताएं, अब समझ आ गई एक्शनेबल क्लेम क्या होता है, ठीक है? जिस तरह कि आपने देखा होगा कि आपके पास जब कोई न्यू रेस्टोरेंट ओपन होता है तो डिफरेंट आते हैं, वो कहते हैं कि ये हमारा कार्ड है, आप ले लें, परचेज कर लें, मेंबरशिप कार्ड है जी, इसकी जो है वर्थ जो है ये 5,000 रुपये का कार्ड है, आप जब भी हमारे रेस्टोरेंट पे आएंगे तो आपको जो है 20% डिस्काउंट मिलेगा। ये अक्सर पिज्जा शॉप वाले ये जो भी न्यू ओपन होते हैं ये लिए फिर रहे होते हैं, या फिर इसमें यह है कि ये बाय वन गेट वन पिज्जा फ्री होगा। तो जो एक एक्स्ट्रा पिज्जा आपको फ्री मिलेगा वो गुड्स है, लेकिन वो जो आपको कार्ड सेल करके जा रहा है ना, जो कि 1,000 रुपये या 1,200 या 1,500 या 500 जितने का भी कार्ड है, वो एक्शनेबल क्लेम है, वो आपके पास क्या है, राइट है, जिसकी बेस के ऊपर आपको एक पिज्जा फ्री मिलना है, ठीक है? या फिर क्या मिलना है आपको, डिस्काउंट मिलना है, तो वो क्या है, वो एक्शनेबल क्लेम है, ठीक है जी? किसी को ना समझ आई हो तो एक्शनेबल क्लेम जी। वेरोनिका 2 मिनट्स के बाद समझ आ गए। जी प्रॉमिसरी नोट भी यही होता है कि आप प्रॉमिस कर लेते हैं कि आप फ्यूचर में कोई एक्शन करेंगे, ठीक है? प्रॉमिसरी नोट जस्ट लाइक कि अगर आपने किसी से पैसे उधार लिए हैं, लोन लिए हैं, तो उसे एक प्रॉमिस नोट लिख के दे देते हैं कि मैं इस डेट को इतना ये लोन आपका वापस कर दूंगा, ठीक जी? ऐसे ही होता है ना प्रॉमिसरी नोट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये ले जी, क्या बिल ऑफ एक्सचेंज भी सम सॉर्ट ऑफ यही हो सकता है। ये ले जी, इसमें वो कहता है एक्शनेबल क्लेम्स मींस क्लेम टू अ डेट, ठीक है? कि मतलब कोई आपका उधार है जो आप क्लेम कर सकते हैं, वो क्या होगा, एक्शनेबल क्लेम होगा, या प्रॉमिसरी नोट हो गया, या डिस्काउंट कार्ड्स हो गया, डिस्काउंट कूपन्स वगैरह, तो ये सारे क्या है, एक्शनेबल क्लेम। तो बेसिकली अगर आप कंसेप्ट वाइज याद करना चाहें तो एक्शनेबल क्लेम क्या होता है, एक राइट होता है जिसकी बेस के ऊपर आप फ्यूचर में कोई एक्शन ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। अब वो राइट कोई भी हो सकता है, राइट क्या हो सकता है कि आपको एक डेट के बाद आपका लोन वापस मिल जाना है, राइट क्या हो सकता है कि आप कहीं से शॉपिंग करेंगे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाना है, राइट क्या होगा कि एक पिज्जा खरीदेंगे तो साथ एक पिज्जा फ्री मिलेगा, राइट क्या होगा कि जी आप जो है 2 बर्गर खरीदेंगे तो साथ एक बर्गर फ्री मिल जाएगा, ठीक है? इस तरह का कोई भी राइट हो सकता है, तो ये क्या है, एक्शनेबल क्लेम है जी। इसमें किसी को कोई मसला, ये गुड्स की जो डेफिनेशन है ये न्यूमेरिकली तो मतलब आपकी होती ही होती है, यूज होती है, लेकिन गुड्स की डेफिनेशन भी वो पूछ लेता है। इसमें अगर किसी को कोई मसला, कोई बात समझ ना आई तो बता। चले जी, अभी हमने सिर्फ क्या पढ़ा कि सेल टैक्स के मुताबिक गुड्स क्या होता है, अब हम क्या पढ़ने लगे हैं कि सेल टैक्स के मुताबिक टैक्सेबल गुड्स क्या होता है जी। टैक्सेबल गुड्स का मतलब क्या होगा, जिन गुड्स के ऊपर सेल टैक्स लगना है, क्योंकि टैक्स हमने क्या पढ़ा है कि सेल टैक्स में टैक्स का मतलब क्या है, सेल टैक्स, और गुड्स जिनके ऊपर सेल टैक्स लगना है। चले जी, इसमें वो कहता है कि टैक्सेबल गुड्स मीन्स ऑल गुड्स अदर देन दोज विच हैव बीन एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 13। इट मीन्स एज पर सेल टैक्स एक्ट 1990 ऑल गुड्स आर टैक्सेबल एक्सेप्ट स्पेसिफिकली एग्जेम्प्टेड। तो भाई सारी की सारी गुड्स जो हैं क्या है, टैक्सेबल्स, वह उन गुड्स के जिनको स्पेसिफिकली कह दिया कि वो क्या है, एग्जेम्प्ट है। और कौन सी गुड्स एग्जेम्प्ट हैं, जब सेक्शन नंबर 13 पढ़ेंगे तो उसमें जाके हम पढ़ेंगे कि कौन सी गुड्स एग्जेम्प्ट हैं। तो एग्जेम्प्ट गुड्स के अलावा बाकी जितनी भी गुड्स हैं वो सारी की सारी क्या है, टैक्सेबल गुड्स जी। इसमें किसी को कोई मसला, कोई बात समझ ना आई, क्लियर है? चले जी, इसके बाद हम आ जाते हैं सप्लाई पे। अच्छा जी, सप्लाई का मतलब क्या होता है, ठीक है? वैसे जो है सेल्स होती हैं, ठीक है, लेकिन इधर पे क्या बोला जाता है, सप्लाई बोला जाता है। अब सप्लाई पढ़ाने से पहले जो है, अब मैं एक दो चीजें जो है आपको अभी इधर ही बता देना चाहता हूँ।
जी आपकी खुसर पुसर होगी हो तो बता दूं। अच्छा जी, ये अभी हमने इधर पे एक पढ़ा, ये सप्लाई चेन पढ़ा कि आपने गुड्स परचेज की, आगे फिर सेल कर दी। परचेज जो कि वो आपका क्या है, इनपुट है, और जो सेल कर रहे हैं वो क्या है, आपका आउटपुट है। अब मुझे एक बात बताएं, एक बात नहीं बल्कि मैं आपको एक बात बता। सबसे पहली बात यह है कि आप अपनी जो टैक्स लायबिलिटी फाइंड आउट करते हैं, हम लोगों ने इनकम टैक्स में भी पढ़ा, तो वो क्या होती है, किसी ना किसी पीरियड की होती है। टैक्स लायबिलिटी जो है किसी ना किसी पीरियड की होती है, तो सेल टैक्स में जो पीरियड होता है वो क्या होता है, 1 मंथ का टाइम। ठीक है, 1 मंथ का जो टाइम होता है वो क्या होता है, टैक्स पीरियड होता है। जिस तरह इनकम टैक्स में टैक्स ईयर होता है, तो इधर पे क्या है, टैक्स पीरियड है। ठीक है, और टैक्स पीरियड क्या है, 1 मंथ का टाइम पीरियड। जस्ट लाइक के अभी ये कौन सा मंथ चल रहा है, जुलाई, तो जुलाई 2024 एक टैक्स पीरियड है। जून गुजर चुका है, जून 2024 वो एक टैक्स पीरियड है। तो अब इसका मतलब क्या कि अब ये जो जून है 2024, अब इसमें जो हमने गुड सेल्स की उसके ऊपर हम क्या ले लेंगे, आउटपुट टैक्स। ठीक है, उसमें से हम क्या करेंगे, लेस जो हमने परचेज की थी उसके ऊपर जो इनपुट टैक्स था वो लेस कर देंगे, और बाकी हमारा क्या बच जाएगा, पेबल। अब मुझे एक बात बताएं, क्या हमने जून में जो गुड्स परचेज की, क्या वो हमने जून में सारी की सारी मैन्युफैक्चर करके सेल कर दी होंगी? नहीं की होंगी ना, क्योंकि आप लोग थोड़े से तो पढ़े लिखे हो, थोड़ी सी अकाउंटिंग आपको आती होगी, आपको पता होगा कि एक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें ओपनिंग स्टॉक होता है, क्लोजिंग स्टॉक होता है, कोई WIP का भी कोई कॉन्सेप्ट होता है, ऐसी है ना। तो अब क्या होता है, अब ये जो टैक्स पीरियड है ये तो 1 मंथ का टैक्स पीरियड है। अब इसमें उसने कहा कि जून के महीने में आपने जितनी भी गुड्स परचेज की है ना उसके ऊपर आप इनपुट टैक्स क्लेम कर लो। ठीक है, और जून के मंथ में जितनी भी आप सेल कर रहे हैं, ठीक है, जो भी सेल कर रहे हैं, अब सेल क्या होगी, कुछ गुड्स करंट मंथ में प्रोड्यूस हुई होंगी, कुछ आपके पास ओपनिंग स्टॉक पड़ा होगा उसमें से सेल आउट हो रही होंगे, और जो प्रोड्यूस हो रही होंगे उसमें कुछ क्लोजिंग स्टॉक भी बच गया होगा आपका। तो जितनी भी सेल हो रही है उसके ऊपर आप आउटपुट टैक्स दे दो। तो अब आपने इससे देखा कि क्या आ रहा होगा, आपका टाइमिंग डिफरेंस आ रहा होगा। ठीक है, टाइमिंग डिफरेंस आ रहा है ना, कि जो आपने जून में परचेज किया वो सारी की सारी कंज्यूम नहीं हुई, लेकिन उसके ऊपर इनपुट आपने क्लेम कर लिया। इनपुट क्लेम करने का मतलब क्या है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया है, क्रेडिट लेने का मतलब क्या है कि आप अपने लाइबिलिटी में से उसको लेस कर चुके हैं। ठीक है, अब एक बात जो आपने याद रखनी है, अब ये जो FBR आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट दे देता है वो इस भरोसे पे देता है कि ये जो गुड्स आपने परचेज किए हैं इससे आप मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और आगे इससे टैक्सेबल सप्लाई करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग करके टैक्सेबल सप्लाई का मतलब क्या, कि इन गुड्स से जब भी गुड्स प्रोड्यूस होंगी तो जब आप उसको सेल करेंगे तो उसके ऊपर सेल टैक्स लाजमी चार्ज करेंगे और सेल टैक्स लेंगे। ठीक है, और अगर आप ये काम ना करें तो फिर क्या होगा, तो उसने जो आपको ये इनपुट अलाउ किया हुआ था पहले वो क्या कर देगा, डिसअलाउ कर देगा, वो कहेगा रिवर्सल करो। ठीक है, तो एक बात आपने क्या रखनी है याद, कि अगर आप इनपुट क्लेम कर चुके हैं परचेज के ऊपर तो FBR को तब तक सुकून नहीं आएगा जब तक उसके ऊपर सप्लाई करके उसके ऊपर आउटपुट टैक्स ना आप देते। ठीक हो गया, तो ये वाला कॉम्बिनेशन आपने याद रखना कि अगर कोई भी गुड्स उसके ऊपर आप अगर इनपुट क्लेम कर चुके हैं, ठीक है, वो तो जाहिर है मैंने आपको पूरी एग्जांपल करके बता दी कि किस तरीके से चल रहा होता है, तो FBR को सुकून तब तक नहीं आना जब तक आप उसको सप्लाई करके आउटपुट टैक्स ना उसके ऊपर दे। जी यहां तक किसी को कोई मसला, तो पानी पी लूं फिर आगे बढ़ते हैं सप्लाई की डेफिनेशन।
चलें जी, सप्लाई की डेफिनेशन पे हम आ जाते हैं। आम अल्फाज में बोला जाए तो जो सेल्स होती है उसको सप्लाई बोला जाता है। लेकिन जिस तरह हमने इनकम टैक्स में डिस्पोजल की डेफिनेशन पढ़ी थी कि उसमें बहुत सारी चीजें कवर हो रही थी, इसी तरह सप्लाई की डेफिनेशन में बहुत सारी चीजें कवर हो रही हैं। तो जब तक ये बेसिक डेफिनेशंस आपको नहीं आएंगी तो तब तक आपको सेल टैक्स नहीं आ सकता। जी, सप्लाई का मतलब क्या होता है इसमें? वो कहते हैं सप्लाई मीन्स अ सेल, अगर आप गुड्स को सेल कर रहे हैं, या अदर ट्रांसफर ऑफ राइट टू डिस्पोज ऑफ गुड्स एज ओनर, या फिर आपके पास गुड्स पड़ी थी, आपने जो है राइट ट्रांसफर कर दिया कि आप एज ए ओनर इन गुड्स को चाहे जो मर्जी कर सकते हैं, डिस्पोजल कर सकते हैं, ठीक है? तो वो क्या कहलाएगा कि आपने क्या कर दिया, सप्लाई कर दिया। जस्ट लाइक कि रिजवान के पास गुड्स पड़ी थी, वो गुड्स उठा के इसने उकाशा को दे दी, इसने कहा कि आज से तुम इन गुड्स के मालिक हो, तुम चाहे इनको डिस्पोजल करो, जो करना है तुम कर लो, ठीक है इन गुड्स का। तो क्या किया इसने, राइट टू डिस्पोज ट्रांसफर कर दिया एज ए ओनर किसको, उकाशा को। तो अब रिजवान का क्या समझा जाएगा कि रिजवान ने क्या कर दिया, गुड्स को सप्लाई कर दिया, ठीक होगी जी? बताएं इसमें किसी को कोई मसला, क्लियर? अच्छा जी, इसके अलावा वो कहता है इंक्लूडिंग सच सेल, और इसमें कौन कौन सी सेल शामिल है, ट्रांसफर अंडर हायर परचेज एग्रीमेंट एंड आल्सो इंक्लूड। हायर परचेज एग्रीमेंट क्या होता है? सेल टैक्स में हायर परचेज एग्रीमेंट होता है लीज। लीज का मतलब पता है? जब इंस्टॉलमेंट के ऊपर गुड्स आप सेल आउट करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, लीज बोला जाता है, और उसको हायर परचेज एग्रीमेंट बोला जाता है। तो अगर आप हायर परचेज एग्रीमेंट के अंडर अगर गुड्स को सेल कर रहे हैं या ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो भी आपकी सप्लाई ऑफ गुड्स कहलाती है, ठीक है जी? यहां तक किसी को कोई मसला, क्लियर? अच्छा जी, अब इसके हम आ जाते हैं इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग पार्ट। अच्छा जी, ये पॉइंट नंबर वन, सप्लाई की डेफिनेशन अब स्टार्ट होने लगी है। अब ये जो पहला पॉइंट है ना, ये असल पॉइंट है कि सप्लाई होती क्या। इसमें वो कहता है पुटिंग टू प्राइवेट बिजनेस नॉन बिजनेस यूज ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड मैन्युफैक्चर इन कोर्स ऑफ टैक्सेबल एक्टिविटी फॉर पर्पस अदर देन दोज ऑफ मेकिंग अ टैक्सेबल सप्लाई जी। ये जो पूरी लाइन है, होप सो कि आपके सर के ऊपर से शू करके गुजर गई होगी। ये लें जी, इधर पे अब हम आते हैं। ये लें जी, एक कंपनी है, मेपल लीफ सीमेंट। उसने क्या किया, सीमेंट प्रोड्यूस किया। ये लें जी, अब ये जो उसने सीमेंट प्रोड्यूस किया है, उसके लिए उसने क्या किया होगा, रॉ मटेरियल परचेस किया होगा। रॉ मटेरियल जब परचेस किया होगा तो उसके ऊपर क्या क्लेम किया होगा, इनपुट टैक्स, ठीक है? अब उसने क्या किया, ये सीमेंट प्रोड्यूस कर लिया। अब सीमेंट प्रोड्यूस होके अभी इसके पास पड़ा हुआ है, ठीक है? तो मुझे बताएं कि ये इनपुट टैक्स तो इसने क्लेम कर लिया है ना, वो तो मिल गया। तो ये सीमेंट जो प्रोड्यूस होके इसके पास पड़ा हुआ है, जब भी ये सेल करेगा तो इसके ऊपर सेल टैक्स दे देगा, ठीक है? अब इसके बाद इसने क्या किया, ये जो सीमेंट इसने प्रोड्यूस किया, ठीक है, इसका जो है एक एम्प्लॉई है मिस्टर रिजवान, ठीक है? ये लें जी, मिस्टर रिजवान है, वो अपना घर बना रहा है। तो ये लें जी, इसमें से जो है 10 बैग्स इसने क्या किए, किसको दे दिया, मिस्टर रिजवान को दे दिया मैपल लीफ सीमेंट्स ने। अब मुझे एक बात बताएं, अब ये जो सीमेंट के 10 बैग्स इन्होंने मिस्टर रिजवान को दिए हैं, अब इसकी क्या इम्प्लीकेशन होगी? ये वही इनकम टैक्स नहीं पड़ रहा है, मैपल लीफ सीमेंट की ये सप्लाई बनेगी या नहीं बनेगी? बनेगी जी। अब इसमें उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा कि भाई क्या है, गुड्स प्रोड्यूस्ड, ये जो सीमेंट है ये प्रोड्यूस हुआ है ड्यूरिंग टैक्सेबल एक्टिविटी, टैक्सेबल एक्टिविटी के लिए, और कंज्यूम हो गया फॉर अदर देन मेकिंग अ टैक्सेबल सप्लाई। ये टैक्सेबल सप्लाई के लिए नहीं यूज हो रहा, बल्कि किसी और पर्पस के लिए यूज हो रहा है। तो ये इनकी क्या बन गई, सप्लाई बन गई।
तो ये जो 10 बैग्स इवन दो के इन्होंने बाहर किसी को सेल नहीं किया, सिर्फ अपने अपने एम्प्लॉय को उठा के दे दिए हैं, तो ये इनकी क्या बन रही है? सप्लाई बन रही है। किस लिए? क्योंकि देखें, जब रॉ मटेरियल परचेज किया था उसके ऊपर इनपुट टैक्स इन्होंने क्लेम कर लिया, ठीक है, अब इन्होंने रिजवान को दे दिए, तो ये तो अदर देन बिजनेस कंजम्पशन होगी, ठीक है, टैक्सेबल सप्लाई में तो नहीं जा रहा। तो जब तक इसके ऊपर अब ये आउटपुट टैक्स नहीं दे देंगे तो एफबीआर वालों को कैसे सुकून आएगा? रिजवान इसको सेल करते क्यों? रिजवान क्यों सेल करते है? किसको सेल करते है? तो भाई ये वो मैपल लीफ सीमेंट की तो सप्लाई बन जाएगी। क्या मतलब टैक्सेबल सप्लाई? तो ये मैपल लीफ सीमेंट की टैक्सेबल सप्लाई में इस्तेमाल हो रहे हैं, बताएं। तो ये मैपल लीफ सीमेंट की हम बात कर रहे हैं ना, रिजवान की तो बात ही नहीं कर रहे। तो वो फिर रिजवान जो करेगा तो वो फिर उसकी देखेंगे ना कि रिजवान की सप्लाई है कि नहीं है। अभी तो हम मैपल लीफ सीमेंट की देख रहे हैं। जी बताएं, समझ आई ये बात? ठीक है, अब ये ले जाइए, मैपल लीफ सीमेंट है, इसने सीमेंट प्रोड्यूस किया, ठीक है, अब इसने सीमेंट प्रोड्यूस किया है, इनका ऑफिस बन रहा है, उसकी बिल्डिंग में इन्होंने जो है क्या किया, ये यूज कर लिया। अब जाहिर है बिल्डिंग वो बना रहे हैं तो इसके लिए अपना ही सीमेंट यूज करेंगे ना, किसी और से तो नहीं परचेज करेंगे। अब बताएं, अब ये जो बिल्डिंग बन रही है उसके लिए ये जो कंज्यूम कर रहे हैं, क्या ये इनकी सप्लाई बनेगी कि नहीं बनेगी? क्यों? हमने पढ़ा टैक्सेबल एक्टिविटी के दौरान सीमेंट प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, और फिर क्या हुआ, वो बिजनेस पर्पस के लिए कंज्यूम हो गया, लेकिन अदर देन मेकिंग अ टैक्सेबल सप्लाई, क्योंकि ये जो बिल्डिंग है ये बिल्डिंग कोई टैक्सेबल सप्लाई तो नहीं है ना, बिल्डिंग बना के आगे इन्होंने किसी को सप्लाई तो नहीं करनी ना, ठीक है, तो इस वजह से ये इनकी क्या बन जाएगी, अपनी इनकी ये सप्लाई बन जाएगी। तो इवन दो के अपने ही पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं लेकिन ये इनकी सप्लाई बन जाएगी। जी बताएं, क्लियर ये वाली बात? चलें जी, और हम एक और बात पे आ जाते हैं। अच्छा जी, ये ले जी, अभी हम इधर पे बात कर रहे हैं, एमसी का मतलब है मैपल लीफ सीमेंट, ये क्या कर रहे हैं, ये सीमेंट बैग्स बना रहे हैं, ठीक है। अब ये सीमेंट बैग्स दो तरह के यूज हो रहे हैं, कुछ सीमेंट बैग्स इन्होंने सप्लाई कर दिए मिस्टर उकाशा को, ठीक है, कुछ सीमेंट बैग ही यूज कर रहे हैं फॉर पैकिंग ऑफ सीमेंट। ये ले जी, ये क्या कर रहे हैं, सीमेंट बैग्स बना रहे हैं, कुछ इन्होंने मिस्टर उकाशा को सेल कर दिए, कुछ ये सेल्फ ये जो है पैकिंग ऑफ सीमेंट, जो ये अपना सीमेंट बनाते हैं उसकी पैकिंग के लिए यूज कर रहे हैं। अब मुझे एक बात बताएं, ये जो सीमेंट बैग इन्होंने मिस्टर उकाशा को सप्लाई किए हैं, ये सेल बनेगी कि नहीं बनेगी? बनेगी जी रिजवान, आप बताओ। बनेगी, बिल्कुल बनेगी, क्योंकि सेल और ट्रांसफर हो रही है ना गुड्स का, ठीक है, तो ये ले जी, ये बन गई। अब मुझे बताएं कि ये जो सीमेंट बैग इन्होंने प्रोड्यूस किए हैं ड्यूरिंग टैक्सेबल एक्टिविटी और ये पैकिंग ऑफ सीमेंट के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं अपनी ही कंपनी में, ये जो पैकिंग के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं ये वाले जो बैग, ये इनकी सप्लाई बनेगी कि नहीं बनेगी? जी आप क्या कहते हैं सुहेल? जी आप बताएं सना। नहीं बनेगी जी, ये नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि हमने क्या पढ़ा कि गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ड्यूरिंग टैक्सेबल एक्टिविटी कंज्यूम फॉर बिजनेस पर्पस फॉर मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई। अब ये टैक्सेबल सप्लाई के लिए इस्तेमाल हो रही है, किस तरह कि इन्होंने सीमेंट बैग बनाए, उसमें सीमेंट भरा, तो अब जब ये सीमेंट सेल करेंगे, तो जब ये सीमेंट सेल करेंगे तो क्या उसकी सेल में खाली सीमेंट की प्राइस शामिल होती है? भाई वो सीमेंट का जो बैग है, बाकी सारी जो भी चीजें हैं वो सब कुछ शामिल होगा ना। तो अब जब सीमेंट बैग इन्होंने बनाया, इसका जो भी रॉ मटेरियल था उसके ऊपर इन्होंने क्या किया, इनपुट टैक्स क्लेम कर लिया, इनपुट टैक्स क्लेम कर लिया, और आउटपुट टैक्स कब दे रहे हैं, जब ये सीमेंट सेल करेंगे तब ये आउटपुट टैक्स दे देंगे। तो एफबीआर को सुकून आ गया कि इनपुट उन्होंने क्लेम किया था और आउटपुट कब दिया, जब सीमेंट बैग सेल कर दिया, तो वो इक्वेशन आपकी बराबर हो गई, ठीक है।
तो इस वजह से उन्होंने कहा कि ये अगर जो आपने गुड्स मैन्युफैक्चर की हैं, अगर अदर देन मेकिंग अ टैक्सेबल सप्लाई यूज हो रही हैं, चाहे वो बिजनेस पर्पोज हो, अदर देन बिजनेस हो, पर्सनल हो, जो मर्जी हो, तब वो आपकी क्या बनती है? सप्लाई बनती है। और अगर वो फॉर टैक्सेबल सप्लाई यूज हो जाए तो फिर वो सप्लाई नहीं बनती। ठीक है जी, बताएं, क्लियर ये वाली बात? चलो, और हम एग्जाम्पल्स करें इधर पे। ये लें से, एक शुगर कंपनी है, ये लें जी। अब ये दो चीजें बना रही हैं, ये शुगर बना रही है, ठीक है, वो शुगर जो है टॉफीज में भी इस्तेमाल हो रही है, ठीक है, और वो भी बना रही है। चले जी, अब मुझे एक बात बताएं, अब ये शुगर है, ठीक है, कुछ इन्होंने एक्सटर्नल कस्टमर को सेल कर दी, कुछ ये टॉफीज बनाने में इस्तेमाल हो गई, ठीक है, कुछ जो है रमजान का महीना आ गया, ठीक है, तो इन्होंने अपने एम्प्लॉयज को डिस्ट्रीब्यूट कर दी। अब सबसे पहले वन बाय वन मुझे बताएं कि ये जो शुगर कंपनी है, इसने जो अपने एम्प्लॉयज को डिस्ट्रीब्यूट की शुगर, ये इनकी सप्लाई बनेगी कि नहीं बनेगी? बनेगी, क्यों? क्योंकि क्या है कि टैक्सेबल एक्टिविटी के दौरान जो है शुगर बनी, कंज्यूम होगी अदर देन बिजनेस पर्पस फॉर मेकिंग अदर देन टैक्सेबल सप्लाई, क्योंकि ये जो एम्प्लॉयज को दे रहे हैं इससे कोई टैक्सेबल सप्लाई तो नहीं कर रहे ना, इसलिए उन्होंने कहा इसे सप्लाई बना दो। अच्छा जी, अब ये जो एक्सटर्नल कस्टमर को सेल कर रहे हैं, ये भी क्या बन गई इनकी सप्लाई, क्योंकि इन्होंने राइट टू डिस्पोजल द गुड्स ट्रांसफर कर दिया। अब ये जो शुगर है, ये जो इन्होंने टॉफीज बनाने के लिए सेल्फ कंज्यूम कर लिया, बताएं ये इनकी अपनी सप्लाई बनेगी कि नहीं बनेगी? नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि शुगर बनाने के लिए जो गुड्स परचेज किए उसके ऊपर इनपुट क्लेम किया, तो जब ये टॉफीज को सेल करेंगे तो इसके ऊपर आउटपुट टैक्स दे देंगे, तो ये टॉफीज क्या है? ये टैक्सेबल सप्लाई है। ठीक हो गया जी, बताएं, क्लियर ये वाली बात? चलें जी, एक और चीज अब इधर पे हम करते हैं। अच्छा जी, इधर पे मैं आपको बता दूं, कुरान का मतलब पता है आप लोगों को? ये आपकी क्या है? एग्जेम्प्ट है गुड्स। एग्जेम्प्ट का मतलब क्या? कि कुरान को जब आप सप्लाई करते हैं उसके ऊपर सेल टैक्स चार्ज नहीं होगा, चाहे कुरान हो या कोई भी होली बुक हो, चाहे ऑडियो फॉर्म में है, रिकॉर्डेड फॉर्म में है, या हार्ड बुक फॉर्म में है, चाहे वो कुरान है, बाइबल है, वर्ड्स एवर, जो मर्जी है। ठीक हो गया, समझ आ गई ये बात आप लोग को? अच्छा जी, अब एक इधर पे सिनेरियो हम बनाते हैं। अच्छा जी, एक कंपनी है, से कौन सी कंपनियां मशहूर है? एक ताज कंपनी मशहूर है कुरान के, और ये ले जी। अच्छा जी, ताज कंपनी है, ये मैन्युफैक्चर कर रही है वर्क। वर्क का मतलब पता है ना? पेजेस। ये ले जी, ये पेजेस मैन्युफैक्चर कर रही है, ठीक है। अब ये जो पेजेस मैन्युफैक्चर कर रही है, अब इसको किस किस चीज के लिए इस्तेमाल कर रही है? ये ले जी, अब हमने तीन कर लिए। अब ये जो पेजेस मैन्युफैक्चर कर रही है, ठीक है, इसको ये कुरान की प्रिंटिंग के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, इसके अलावा जो है कुछ नॉवेल्स और टेक्स्ट बुक्स। टेक्स्ट बुक्स का मतलब पता है ना, जो सिलेबस का हिस्सा होता है उसकी प्रिंटिंग के लिए भी ये यूज हो रही है, ये वाले जो पेजेस बन रहे हैं, ठीक है। और कुछ एक्सटर्नल कस्टमर हैं, उनको ऐसे ही एज इट इज ये पेजेस सप्लाई कर रहे हैं। ठीक हो गया, ये तीन सिनेरियो मैंने आपके सामने रख दिया। अब सबसे पहली बात मुझे ये बताएं कि ये जो ताज कंपनी, ये जो मैन्युफैक्चर कर रही है पेजेस, और ये जो कुरान की प्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, ये इनकी सप्लाई बन रही है कि नहीं बन रही? जी, क्यों नहीं बन रही सुहेल? क्या मैंने क्या बताया?
आप मेरी बात नहीं समझे। ये जो पेजेस बन रहे हैं, ये जो पेजेस हैं, ये जो पेजेस कुरान की प्रिंटिंग में इस्तेमाल हो रहे हैं, ये पेजेस इनकी सप्लाई है कि नहीं है? कुरान के नहीं, मैं पूछ रहा कि कुरान सप्लाई बन रही है कि नहीं बन रही। सप्लाई है, लेकिन एग्जाम सप्लाई है, वो तो एक अलग चीज है। अपना ही बिजनेस है ताज कंपनी का, एक कंपनी मल्टीपल बिजनेस नहीं करते। ये पेजेस भी बना रहे हैं, पेजेस बना के फिर आगे बुक्स की प्रिंटिंग भी कर रहे हैं। बुक्स की प्रिंटिंग में मैंने डिफरेंट किस्म की प्रिंटिंग्स बता दी कि क्या क्या कर रहे हैं। एग्जाम्पल आपने सही सुनी? नहीं, नहीं सुने। जी बताएं, जिन्होंने कहा कि नहीं बनेगी, क्यों नहीं बनेगी, और जिन्होंने कहा बनेगी, क्यों बनेगी? जी बिल्कुल सही कहा आपने कि ये जो ताज कंपनी ये जो पेजेस बना रही है, ठीक है, ये बिजनेस कंजम्पशन में यूज हो रहे हैं फॉर मेकिंग अदर देन टैक्सेबल सप्लाई। तो ये जो कुरान है ये आपकी टैक्सेबल सप्लाई नहीं है। अब ये जो पेजेस हैं, इसकी जब मैन्युफैक्चरिंग की, जो गुड्स इन्होंने परचेज की, इसके ऊपर इन्होंने क्या किया होगा? इनपुट टैक्स क्लेम किया होगा, ठीक है? तो अब जब ये कुरान सप्लाई करेंगे तब तो आउटपुट टैक्स नहीं दे सकते ना। तो इसलिए इन्होंने जब ये पेजेस कुरान की प्रिंटिंग में इस्तेमाल किए तभी ये इसको क्या बना लेंगे? अपनी सप्लाई बना लेंगे। ठीक हो गया? अच्छा जी, उसके बाद इन्होंने ये जो पेजेस खुद ही मैन्युफैक्चर किए हैं, खुद ही प्रोड्यूस किए हैं, ये प्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल करें, ये नॉवेल्स और टेक्स्ट बुक्स की किताबों के लिए, बताएं इसमें जो इस्तेमाल हो रहे हैं ये इनकी सप्लाई बन रही है कि नहीं बन रही? बन रही है? रिजवान बताओ। नहीं बन रही। इसका आंसर है नो। क्यों? क्योंकि ये जो नॉवेल्स हैं, टेक्स्ट बुक्स हैं, ये क्या है? टैक्सेबल हैं। तो इन्होंने टैक्सेबल एक्टिविटी के दौरान गुड्स प्रोड्यूस की और वो टैक्सेबल सप्लाई के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। तो इधर पे अगर इनपुट क्लेम किया हुआ है तो जब ये बुक सप्लाई करेंगे तो इसके ऊपर भी आउटपुट टैक्स दे देंगे, तो बात खत्म हो जाएगी। इसी तरह इन्होंने ये पेजेस परचेज किए और ये एक्सटर्नल कस्टमर को सेल करती है, तो ये भी इनकी क्या बन गई? सप्लाई बन गई। ठीक है? तो जी अब मेरे ख्याल में इतनी एग्जाम्पल्स के बाद तो ये जो पॉइंट नंबर वन है अब आपको समझ आ जाना चाहिए। तो अब इधर पे क्या कहते हैं? पुटिंग टू, अगर आपने टैक्सेबल एक्टिविटी के दौरान कोई भी गुड्स प्रोड्यूस किए हैं, उसको प्राइवेट बिजनेस या नॉन बिजनेस में यूज कर रहे हैं लेकिन अदर देन मेकिंग अ टैक्सेबल सप्लाई, तो तब वो फिर आपकी क्या बनती है? फिर वो आपकी सप्लाई बनती है। ठीक है? तो ये लें जी, इधर पे निशान लगा लेते हैं। आज हमने इतना पढ़ लिया। आज क्या डेट है? टाइम गुजरने का पता लगा? मुझे टाइम गुजरने का बिल्कुल पता नहीं लगा। मैंने अभी सामने टाइम देखा कि ये तो हो गया ऑलमोस्ट टाइम, तो इसलिए क्या इसी तरह ही चलता रहेगा? नहीं, आगे थोड़े से थोड़े दिनों बाद थोड़ी सी स्पीड तेज हो जाएगी। अच्छा जी, होमवर्क ले लें आगे। सर जी, कितने दिन में अप्रॉक्सीमेटली कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर? जी बेटा अभी तो स्टार्ट हुआ है ये, पर जब ये खत्म होगा तो हमारा वो भी खत्म हो जाएगा, सेशन भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ पहले 3 चैप्टर रह जाएंगे। पहले 3 चैप्टर्स के लिए हमें 4 to 5 आवर्स चाहिए होते हैं बस। ओके okay. जी मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था, क्वेश्चन नंबर 8 दिया था। चले अच्छा, अब आपका जो नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर 9 है होमवर्क। जी क्वेश्चन नंबर 9 आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 8 में अगर किसी को कोई मसला है तो बता दें।
टैक्सेबल। हमने कहाँ पढ़ी है ये एक्सेप्शन? वो तो अगर है कि अगर कोई जिस तरह के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, अगर उधर पे आप जॉब कर रहे हैं, अगर वो फ्री में आपके बच्चे को जो है एजुकेशन दे रहे हैं, तो वो भी टैक्सेबल नहीं। अदरवाइज अलाउंस अगर आपको कोई भी मिल रहा है और फिक्स बेसिस पे मिल रहा है, सैलरी के साथ मिल रहा है, एज ए परसेंटेज ऑफ सैलरी मिल रहा है, तो वो तो हमेशा टैक्सेबल है। टैक्सेबल गलत किया हुआ, इसलिए तो मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ साथ साथ कि अगर कोई भी मसला आता है आप मुझसे डिस्कस कर लिया करें, क्योंकि सोल्यूशंस में मसले होते हैं। रीलोकेशन अलाउंस हो, जो भी अलाउंस हो, जो फिक्स बेसिस पे मिल रहा है, वो आपका क्या है? टैक्सेबल है। क्योंकि बहुत बहुत पुराने जमाने की बात है, रीलोकेशन अलाउंस तो अब एग्जेम्प्ट होता था, अब ये खत्म हुए भी बहुत अरसे हो गए हैं, कोई 4-5 साल हो गए। क्या मतलब 18%? 1 मिनट मुझे पॉइंट बताओ। प्रोविडेंट फंड, हाँ, 5,40,000 मिला एट द रेट ऑफ 18%। हाँ तो आगे क्या हुआ? एग्जेम्पशन में क्या पढ़ा है हमने? हायर ऑफ, ठीक है, 1/3 ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डेटेंस अलाउंस, या फिर इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 16%। तो इसमें तो सारे का सारा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। 1,20,000 तो इसकी सैलरी आ रही है, तो पूरे 12 से मल्टीप्लाई करके जब उसका 1/3 ही साल हो गए, तो वो तो बहुत ज्यादा अमाउंट बन जाएगी। और ये देखो पढ़ना आता है, फॉलोइंग मंथली, ठीक है। और इस क्वेश्चन में जबरदस्ती का कोई क्वेश्चन जो ना समझ आया हो, ठीक है। चले जी, क्वेश्चन नंबर 9 है कल आप लोगों का होमवर्क। इस चैप्टर में कितने क्वेश्चन है? मेरे ख्याल में दो दो करके ना देने लग जाओ, इस तरह तो फिर बहुत ज्यादा वो हो जाएगा। क्या भाई, याद करना है तो ये क्वेश्चन खत्म नहीं करने? टेस्ट, चलो रहने दो, फिर नहीं होगा कल टेस्ट अगर नहीं अनाउंस हुआ। और दूसरी बात ये कि जो आपका टेस्ट होना है वो किस चीज का होना है? इसी प्रैक्टिस का ही होना है ना? ये कह रही है कि नहीं हुआ तो कल ना ले, थर्सडे को ले लूंगा, कोई बात नहीं। मैं कल बताया तो था, बिजनेस पार्ट 1, पार्ट 2, AOP, लॉसेस, सारा मिक्स करके क्वेश्चन होंगे। अच्छा भाई, ये एक और क्वेश्चन ले लें, ये क्वेश्चन नंबर 10 भी होमवर्क है आपका, क्योंकि ये मैक्सिमम इस वीक के अंदर अंदर हमने ये खत्म करने हैं क्वेश्चन, क्योंकि आगे सेल टैक्स का बर्डन स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर उसके साथ नहीं हो पाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है आप लोगों का होमवर्क, और क्वेश्चन नंबर 9। अल्लाह।